हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल पर। हमारे पास यूट्यूब से रिलेटेड कई सारे न्यूज है, बिना टाइम वेस्ट चलते हैं यूट्यूब न्यूज की तरफ। पहले शीजान खान की तरफ से शीजान खान की फैमिली के साथ 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनके लॉयर ने कई सारी बातें बताई। आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको पूरी वीडियो देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। 24 तारीख को जो तुनिशा ने किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो, लेकिन 23 तारीख को तुनिशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में, जहां पे आयुष श्रीवास्तव बैठा हुआ था, शीजान भी बैठा हुआ था, अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था, तुनिशा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। पार्थ ने कहा नहीं बेटा, मैं गुस्सा क्यों करूंगा, क्या दिखाना है बता। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था, वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को। उस पर पार्थ उन पर भड़के, उनको समझाने का कोशिश किया। तुरंत शीजान ने जब ये ओवरहर्ड किया, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, शीजान इंटरवीन किया, शीजान ने पिक्चर देखा, तुनिशा से बात की, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा सब कर रही है। बोला नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फोटो दिखा रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है। अगली न्यूज मनोज जी की तरफ से। आपको पता होगा कई सारे लोग पैसे देकर अपने चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं, उसी पर मनोज जी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की, चाहे कोई कुछ भी बोले, पैसे देकर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कभी मत लेना, मेहनत करो, कंटेंट पे फोकस करो, चैनल ग्रो खुद होता है। अगली न्यूज मनोज जी की तरफ से। आपको पता होगा अमित बनाना की पुरानी वीडियो में 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाते थे कुछ ही दिनों में, लेकिन आजकल अमित बनाना की वीडियो में व्यूज कम आते हैं, उसी पर मनोज जी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखते हैं, वो भी क्या दिन है जब अमित बनाना के एक दिन में 20 मिलियन क्रॉस हो जाता था। वीडियो बनाओ क्या, व्हाई अमित बनाना चैनल डाउन, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली न्यूज UK07 राइटर की तरफ से। बाबू भैया दुबई से रिटर्न आ रहे थे लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई, आप ये वीडियो देखिए। तो गाइस, मैं ना घर आ रहा था और मेरी फ्लाइट थी और इस लड़की ने मेरी फ्लाइट छुड़वा दी। गाइस मैंने कब छुड़वाई है, जाने नहीं दे रही। गाइस आंदोलन छेड़ो, बाबू भैया को इंडिया भेजो। अगली न्यूज थारा भाई जोगिंदर की तरफ से। थारा भाई जोगिंदर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की, जिसमें बताया डेली व्लॉगिंग करेंगे। अगली न्यूज बी यूनिक की तरफ से। ऋतिक रोशन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट अपलोड करते हैं, उसी पर बी यूनिक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखते हैं, मेरा भी ऐसा सेम ही है, बस 19-20 का फर्क है। अगली स्टोरी में लिखते हैं 19-20 हजार का फर्क है, आई मीन। अगली न्यूज उर्फी जावेद की तरफ से। उर्फी जावेद अपने कपड़ों की वजह से फिर से प्रॉब्लम में आ गई, इस बार कंप्लेंट करने वाली बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट है, कंप्लेंट करने का रीजन उर्फी जावेद के कपड़े हैं। उसी पर उर्फी रिप्लाई करती है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, तुम अपने और अपनी फैमिली मेंबर के प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस दिखाओ और दुनिया को बताओ पॉलिटिशियन कितना कमाते और कहां से कमाते हैं। उर्फी जावेद ने एक और स्टोरी अपलोड की, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अगली न्यूज भुवन बाम की तरफ से। भुवन बाम अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करते हैं, जिसमें लिखा होता है साल की शुरुआत नए एपिसोड के साथ, #guesstheepisode। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।